अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ये हमने फूड पैंडा मार्ट से मंगवाया है। अस्सलाम वालेकुम, आज हमने फूड पैंडा के पैंडा मार्ट से ये मंगवाया है चीज़ें पहली दफ़ा। तो ये इनका टोटल बिल था 1040, लेकिन डिस्काउंट वगैरह के बाद कितना 793 बन गया था। वो 100 रुपये पहले के पड़े हुए थे कैश बैक में, तो 693 बना। ये उतर गया और ये हमारा शॉपर है, बैग है, ये क्लिंग रैप है। ये थी 240 रुपए की और साथ लाइफ बॉय, ये था 696 का। तो कैसा एक्सपीरियंस है आप बताएं आप? हाँ हाँ ठीक है, डिस्काउंट भी हो गया और क्या? हाँ डिस्काउंट तो काफी ज्यादा हुआ, वाउचर भी था और पहले का 100 रुपीस कैश बैक था। एक दफ़ा सेवर मंगवाया था इसलिए 240 है, कुछ इतना एक्सपेक्ट ना करे। इसके ऊपर कवर है ना, ये तो नहीं है ना? नहीं, ये इसका कवर था, ये है, बहुत कम है लेकिन है, बहुत ही कम है, लेकिन चले 240 रुपये के लिए तो ठीक ही है। इसके ऊपर स्पेशल इम्पोर्टेड भी लिखा हुआ था। ये है 30 मीटर है, 30 मीटर ना ज्यादा, 30 मीटर बहुत होता है, यहाँ पे तो काफी लग रही है लेकिन। और ये 30 मीटर ये पकड़े जरा, ये चीजें रोल करने के लिए होती है, फूड वगैरह। हमने रात के वक्त ऑर्डर किया और ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट टाइम। हाँ वो बेचारा बंदा ठंड में आया, भाई बहुत फॉग हो रही है। हाँ बहुत ज्यादा। 9:30 पे ऑर्डर किया और कब आया? 10:15 पे आया, 45 मिनट। 37 पे ऑर्डर किया था और तकरीबन 17 पे आया था, इसलिए पूरे 45 मिनट हो गए थे। 45 मिनट। हाँ और ये नहीं क्या चिपको डेक्सपीरियंस? हाँ कितने क्या करोगे? एरिया का फॉर्मूला होते है ना, लेंथ टू विड्थ। ये है कि हमने ब्लू दोबारा सा रेड डाला और था ही रेड। ओ यार इतने ठंडे हैं ये, इसके ऊपर 800 लिखा है लेकिन इस पे ऑफर थी 700 का था, 696। चलिए हमारी जरूरी चीज थी, अप टू 450 ऐसे ही लिखा है। तो चलो अब आप करो, अल्लाह हाफिज। और आप इससे बाय कर सकते हैं फूड जी, किया करें उससे, बहुत अच्छी ऑफर्स होती है। क्या था फूड पैंडा मार्ट? पैंडा मार्ट, पैंडा मार्ट है ये जी। और शेल का भी अपना एक मार्ट है उसके ऊपर। एक्सपीरियंस किया और इसके बाद हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। हाँ चले जी, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। और अगर ये वीडियो किसी और के देखने के काबिल आपको लगती है तो आप उस किसी और को भेज दें ये वीडियो, ठीक है, ओके। और हम ये अल्लाह यूज करके ना आपको बताएंगे कि वो मामा बताएगी, ठीक है, ओके, लाइक कर दे। अल्लाह यार आप, अल्लाह हाफिज़।